अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हमाद 946 एंड वेलकम टू माय YouTube सीरीज। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपने चैनल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और चैनल के कितने कंपटीटर्स हैं, हम जो चैनल जिस नीच पे हम काम करना चाह रहे हैं तो क्या हम उस नीच को देख के उसके जो कंपटीटर हमारे उस नीच के जो कंपटीटर्स हैं, जितने भी चैनल उस नीच के आसपास होंगे, मतलब के कंपटीटर्स को हमने देखना होगा कि हम कौन से चैनल पे, मतलब कौन से नीच पे काम कर रहे हैं और हमारे कंपटीटर कितने हैं। तो आज आपको मैं एक प्रॉपर वे से बताऊंगा कि हम मतलब कि अपने जो चैनल्स हैं इनको कैसे ढूंढ सकते हैं अपने लिए, और डिफरेंट चैनल्स भी आपको मैं विज़िट करवाऊंगा और वहां से आपको लाइव में चैनल्स के मतलब के कैसे हम लोग चैनल्स के कंपटीटर्स को ढूंढ सकते हैं, अपने नीच की चैनल्स के कंपटीटर्स जो हैं उनको ढूंढ सकते हैं और किस तरह से हम अपने चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे ये आइडिया जो है और ये जो तरीका है काम करने का, मतलब चैनल ढूंढने का, ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानते होंगे। जो जानते भी हैं उन्होंने बताया नहीं होगा, बट मैं आपको सब बताऊंगा और इंशाल्लाह मेरे कोर्स का मतलब भी यही है कि मैं आपको सब कुछ बता सकूं अबाउट YouTube के बारे में कि YouTube आपने स्टार्ट कैसे करना है, ईच एंड एवरी थिंग जो भी चैनल YouTube चैनल को क्रिएट करने में आता है। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम YouTube पर आ जाते हैं और YouTube पे हम लोग सर्च कैसे करेंगे हमारे चैनल के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अबाउट न्यूज़ चैनल, न्यूज़ चैनल। तो न्यूज़ चैनल में यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं फ़िल्टर यूज़ करूँगा। फ़िल्टर में आपने यहाँ से जाना है, फ़िल्टर में जाके आपने यहाँ से चैनल पे क्लिक कर देना है और आपके पास यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स आ जाएंगे। अब ये जो है इनकी एक न्यूज़ चैनल्स की एग्जांपल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ, एक तो ये पॉपुलर भी हैं, सब लोग इनको जानते हैं, और दूसरा किस तरह से हम एक चैनल जो है हमारे चैनल के कंपटीटर्स हैं हम उनको किस तरह से ढूंढ सकते हैं, तो हम किस वे से ढूंढेंगे वो आज आपको मैंने समझाना है। अब ये हमारा न्यूज़ के चैनल है, इसके बाद मैं आपको ज़रा और चैनल भी विज़िट करवाऊंगा, सारे तो नहीं करवा पाऊंगा बट थोड़े थोड़े जो जो होंगे वो आपको ज़रूर एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। फिर आपने अपने नीच को फाइंड करने के लिए, अपने नीच के रिलेटेड जितने भी आपके कंपटीटर होंगे आपके चैनल पे, तो आपने उनको फाइंड करना होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एयरवे न्यूज़ है एक ये चैनल है, इसको यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। साथ में आपने एक एक्सेल फाइल भी ओपन करके रखनी है। तो सबसे पहले आपने जहाँ पर चैनल का जो नाम होगा वो आपने यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ARY है, ARY यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, सॉरी सबसे पहले आप यहाँ पर चैनल लिखें, उसके बाद यहाँ पर सब्सक्राइबर आए, मैं यहाँ पर जस्ट सब लिख लेता हूँ, और यहाँ पर जस्ट अभी ये दो चीज़ें आप देखें, यहाँ पर ARY है चैनल का नाम है, उसके बाद इनके सब्सक्राइबर हम देखते हैं सब्सक्राइबर कितने हैं, 6.84 मिलियन सब्सक्राइबर अभी इस चैनल पर हैं। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं 6.84 मिलियन सब्सक्राइबर। अब इसी तरह से हम अपने सेकंड चैनल को यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोल है, और इसी की सेम यहाँ पर हमने जो एक्सेल फाइल है साथ में, यहाँ पर इसको छोटा सा यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, हमारी जो यहाँ पर एक्सेल फाइल है इसको भी हमने साथ में यहाँ पर देखना है कि इसके कितने, इसके 1.96 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, एंड यहाँ पर बोल न्यूज़। उस तरह इसी तरह हम एक और चैनल ले लेते हैं। ये आपको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आपने अपने कंपटीटर्स को किस तरह से देखना है और फिर आप अपने नीच को अच्छी तरह ग्रो अप कर सकते हैं, आपको पता होगा कि आपका कंपटीशन किसके साथ है। तो यहाँ पर है एक इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, तो यहाँ पर इसके सब्सक्राइबर हैं 4.43 मिलियन, सही है। तो ये हमारे हो गए चैनल्स के नाम। अब हमने एक न्यूज़ चैनल क्रिएट करना है और यहाँ पर मैंने न्यूज़ चैनल के नाम लिखे साथ में सब्सक्राइबर लिखे,
और मुझे यहाँ से ये पता चलता रहेगा कि भाई ये चैनल्स हैं और इसके सब्सक्राइबर्स इतने हैं, और यहाँ पर आपने न्यूज़ पे जाके मतलब जो चैनल आपने जिस नीच जो भी आपकी नीच होगी यहाँ पर आपने जाना है, और जितने भी चैनल्स आपको दिख रहे होंगे आपने इनको यहाँ पर इसी तरह सेम क्राइटेरिया जिस तरह से मैंने एक्सेल में यहाँ पर चैनल के नाम लिखे और चैनल के नाम के साथ यहाँ पर सब्सक्राइबर काउंट किए, और यहाँ पर इसी तरह आपने भी सेम करना है। अब यहाँ पर हम एक बार कुकिंग चैनल को देख लेते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए ये चैनल्स होते हैं इस तरह से, जो कि घर बैठे इजीली मतलब अपनी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुकिंग चैनल लिखना है हमने, उसके बाद दोबारा से फिल्टर पे जाना है, और यहाँ पर हमें चैनल पर क्लिक करना है ताकि हमारे पास जस्ट चैनल्स ही आए, वीडियोस ना आए। तो अब अगर हम चैनल कुकिंग का बनाना चाहते हैं तो सेम क्राइटेरिया हम यही यूज़ करेंगे। इनको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। यहाँ पर विलेज कुकिंग चैनल है, उसके बाद बेगम किचन चैनल, पता नहीं जो भी है ये, मतलब आपके कंपटीटर्स जितने भी होंगे आपने यहाँ पर देखने हैं, बड़े कंपटीटर्स को आपने टारगेट करना है। और यहाँ पर मैं दो तीन चैनल्स यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए है कि आप किस तरह से मतलब कि अपने चैनल्स को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि आपका जो आपकी जो नीच है उसमें आपको कंपटीशन कितना देखने को मिल रहा है। अब ये जो आपको तरीका मैं बता रहा हूँ ये हम लोग अपनी बिजनेस में यहाँ पर यूज़ करते हैं, बेसिकली हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से लॉन्च करते हैं, मतलब प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बेसिकली ये उस तरह का जो तरीका है ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, और ये बहुत अच्छी तरह वर्क करता है अगर आप इसी तरह से अपने चैनल को अपने चैनल की नीच को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ, विलेज कुकिंग चैनल, एक्सेल फाइल पे यहाँ पर मैं साथ में कुकिंग चैनल लिख भी देता हूँ, कुकिंग, देन यहाँ पर मैं इसका नाम पेस्ट कर देता हूँ। तो ये नाम कुछ ज़्यादा ही आगे चल गया, बाय द वे मुझे एक्सेल ज़्यादा सही चलाना नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया, इस वजह से मुझसे सही फिर भी नहीं चलाया जा रहा। तो इसके अब सब्सक्राइबर्स कितने हैं तो मैं सब्सक्राइबर्स जो है इसके ज़रा आगे लिख देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। तो यहाँ पर 8.41 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसके हैं। अब सेकंड चैनल उसी तरह मैंने देखना है कि हमारे यहाँ पर कंपटीशन सेकंड चैनल पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर इस चैनल का नाम है कुकिंग चैनल, इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और इसके सब्सक्राइबर भी साथ में लिख देता हूँ जो कि 78.4K सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने अपने कुकिंग के देखने। अब ज़रा गेमिंग का देख लेते हैं कि गेमिंग चैनल बाय द वे किस तरह से दिखते हैं, और आप किस तरह से मतलब अपने चैनल को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट चैनल्स में। इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि भाई ये न्यूज़ बता रहा है, ये कुकिंग चैनल बता रहा है, तो इस वजह से मैं डिफरेंट चैनल्स आपको बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी ज़रूर लंबी होगी बट डिटेल बता रहा हूँ, एक एक चैनल के बारे में आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर चैनल पर फिर से जाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डायनोमो गेमिंग आ रहा है, सेकंड में हमारे पास गेमिंग, उसके बाद मतलब जितने भी ओवरऑल बड़े गेमर्स हैं मतलब कि उनको यहाँ पर मैं साइड आउट करता हूँ। यहाँ पर ये भी है, देन मतलब कि यहाँ पर आपने वो चैनल्स देखने हैं मतलब कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बहुत मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहे हो, जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हो या फिर थाउजेंड्स में हो, तो इस तरह से आपने देखना है। अब जिस तरह से ये एक चैनल है मैं यहाँ पर देखता हूँ, मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके जो कंपटीटर्स होंगे आपके सामने होंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका कंपटीशन किस बंदे से है, आपका कंपटीटर जो है कितना आपसे ऊपर है। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक चैनल है, तो इसको इसका मैं नाम कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर पहले मैं गेमिंग लिख लेता हूँ, देन यहाँ पर नाम में यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर डायनोमो गेमिंग है जो कि मैंने रेड कलर इसका कर दिया है, और यहाँ पर 9.13 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके। अब मैं ज़रा सेकंड चैनल की तरफ जाता हूँ, और ये तो YouTube का खुद का है, देन यहाँ पर अनदर चैनल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा अपने पास, यहाँ पर इसका नाम पेस्ट करूँगा
यहाँ पर इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। तो यहाँ पर जाना है एंड रेड कलर कर देना है, तो उसको फॉन्ट में भी थोड़ा छोटा कर देना है ताकि हमारे यहाँ पर क्लियर आ जाए। देन यहाँ पर हमने इसके सब्सक्राइबर्स लिखने हैं यहाँ पर, जो कि 8.76 मिलियन है। तो इसी तरह आपने जो आपके जितने भी चैनल्स होंगे आपने उन्हीं को उनको इसी तरह से देखना होगा, अलग करना होगा, अलग करके आपने एक्सेल फाइल बनानी होगी। एक्सेल फाइल बनाने के बाद आपने फिर अपने कंपटीटर्स को देखना होगा, चाहे आप टेक की मतलब चैनल बना रहे हैं, आप न्यूज़ का बना रहे हैं। बाय द वे जो न्यूज़ का मैंने बताया, ये न्यूज़ जो है ये टीवी चैनल्स के जो चैनल्स हैं वो आ रहे थे। अगर आपने वॉइस ओवर वाले न्यूज़ चैनल बनाने हैं तो आपने सेम इसी तरह से चैनल्स को फिल्टर आउट करना है। फिल्टर आउट करने के बाद आपने अपने पास लिखना है, एक्सेल फाइल बनानी है। एक्सेल फाइल बनाने के बाद आपने एक बार फोकस करना है कि आपका कंपटीशन बेसिकली चल किसके साथ रहा है और किसके साथ आपका कंपटीशन होगा। देन आप लोग आपका माइंडसेट एक बन जाएगा कि आपका कंपटीशन किसके साथ है और फिर आप इजीली ग्रो आउट कर सकते हैं। आपको एक नीच मिल जाएगी अपने लिए, मतलब कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह से मतलब अपने चैनल को इस तरह से चला सकते हैं और आप इनकी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं इसी तरह से। तो मतलब फुल फॉलो नहीं करना, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपने वीडियोस के लिए टॉपिक चूज़ करने हैं, तो वो एक सेपरेट हमारी वीडियो होगी। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, बट लंबी इस वजह से हो गई है क्योंकि एग्जांपल्स भी देनी पड़ती हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि किस तरह से बेसिकली आप अपने यूट्यूब के लिए एक अच्छी नीच फाइंड कर सकते हैं और अपने कंपटीटर्स को भी देख सकते हैं कि यार आप जो चैनल क्रिएट कर रहे हो क्या उसमें कितना कंपटीशन है। और कंपटीशन का मैं अगर बताऊं, अगर जितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, चाहे 10 मिलियन हो, चाहे बिलियन में ही क्यों ना जाए, जो कि आज तक गया नहीं है, शायद गया होगा, आई डोंट नो, बट आपने अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है क्योंकि यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है। अगर उनको लोग देख रहे हैं तो आपकी वीडियोस में ऐसा कंटेंट होगा, ऐसा मतलब ऐसा ज़बरदस्त किस्म की आपकी वीडियो होंगी, तो वही व्यूअर्स आपको भी आकर देखेंगे। तो होप आपको आज की वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो या फिर आपको कुछ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं और इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई दे दूंगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।